हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी अभी उठी हूँ, इसके लिए ऐसी लग रही हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आप में से कुछ को पता होगा और जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं साउथ से हूँ। तो आज ओनम है, सो हैप्पी ओनम। तो ओनम का व्लॉग होगा आज का। ये ओनम मेरे लिए सबसे ज्यादा इसके लिए स्पेशल है बिकॉज मेरी पूरी फैमिली मिलकर सेलिब्रेट करेगी। मम्मी बहुत बार कॉल कर चुकी है, उठ अंजू उठ बोल के, तो काफ़ी लेट हो चुका है, मुझसे सवेरे उठा नहीं जाता है, मतलब कल लेट हो गया था सोने के लिए, इसीलिए। तो उठते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो फाइनली मेरा मेकअप हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ नानी के घर, घर पे, जहाँ से मुझे मेरी नानी या रीता आंटी जो भी हो मुझे साड़ी पहन पहनाएंगी, साउथ इंडियन साड़ी। तो मैं लेट हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ी सब अकेले करने में कितना मुश्किल होता है। आई रियली विश मेरी मॉम होती इस बार साथ में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता। बट होप सो कि नेक्स्ट टाइम वो यहाँ पे होंगी हम सबके साथ। मिस यू मम्मा। हाय साकेत। हेलो। प्लीज हेल्प मी, मेरे हाथ में बहुत सारा सामान है, तो ये पकड़। तो मैं नानी के घर पे पहुँच चुकी हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो पहले नाश्ता करूँगी फिर साड़ी पहनूँगी। दीदी तैयार हो चुके हैं, चलो देखते। सही लग रहे हो। तो मैं पहली बार केरला साड़ी पहन रही हूँ और मेरी नानी मुझे पहना रही है केरला साड़ी। हनी आपको कैसा फील हो रहा है मुझे पहना रहे हो? आपने मम्मी को पहनाया होगा फिर मुझे। टू जनरेशन बेटी से बेटी। हाँ पिन जी। तो ये वो ज्वेलरी है जो मैं पहनने वाली हूँ और नानी पहली बार मुझे साड़ी पहना रही थी। सोनू आ चुकी है। सोनू मेरी मम्मी की सबसे छोटी बहन है, मैं आगे के वीडियो में भी प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया है मैंने। सोनू और मेरे एज में ना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब 3-4 साल का ही ये फ़र्क, और हमने पूरा बचपन एक साथ निकाला है ऑलमोस्ट। स्कूल भी साथ में गए हैं, सिर्फ कॉलेज आई गेस डिफरेंट था हमारा, क्योंकि जब सोनू कॉलेज में थी तब भी मैं स्कूल में थी। तो हाँ, हमने बहुत सारा टाइम साथ में निकाला है और हमने काफ़ी लड़ाई भी की है। मैं इसको मारती थी, ये भी मुझे मारती थी, तो एक बहन बहन टाइप ऑफ रिलेशनशिप था हमारा। आपने पहने साड़ी? मैं तो पहले बोली थी, पहले बोला करी थी। आप इधर आओ, देखो मेरा साड़ी सही है। ठीक है, यहाँ पे रियेची मालू रीता आंटी सब है, तो आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये सब कौन है। पहली बोतल तो मैं लेके आ जाती थी, इधर नहीं है। ये मेरी सगी मासी है, मेरी मम्मी की छोटी बहन, आप लोगों ने काफी टाइम सुना होगा होगा शायद, रीता आंटी। ठीक है, तो अभी है सोनू, ये मेरी मम्मी की सबसे छोटी वाली बहन, और ये भी मेरी मम्मी की छोटी वाली बहन रिया नाम का, और ये रीता आंटी की बेटी है संजना, ये मेरी नानी की भाई की वाइफ है ना, नानी है मेरी है। तो आप लोग ने देखा ही है मुझे साड़ी पहन पहना रही थी। और ये नानी की क्या है, भाई की वाइफ है। ओके, तो और भी लोग हैं, तो वो लोग आएंगे तब मैं आपको ऐसे वैसे सबसे मिलाती हूँ। और ये मेरे नानी की सेकेंड ब्रदर की वाइफ है सदी मामी। तो ये ओनम इसीलिए स्पेशल है क्योंकि पूरी फैमिली बहुत टाइम बाद एक साथ ओनम सेलिब्रेट कर रहे हैं और सब लोगों ने एक एक खाने का डिश, मतलब जो भी ओनम में हम खाते हैं वो बना के अपने अपने घर से लेके आए। तो ये मेरे नानी के सबसे बड़े भाई है जो राइट साइड में है, सॉरी मैं बराबर से ले नहीं पाई उनको, रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और यहाँ पे हम सब बैठ के चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, थोड़े थोड़े सब लोग कॉन्शियस भी हो रहे हैं शायद। मम्मी होती तो और भी मज़ा आता, सच में बहुत मज़ा आता। तो ये सोनू का हस्बैंड है, हाँ, और ये मेरी नानी
छोटी बहन राखी। तो इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? विशाल अंकल है ये, रीता आंटी के हस्बैंड है ये, मेरे लिए मेरे डैड जैसे, मतलब डैडी आप बोल सकते हो वैसे एकदम। यहाँ पे मैंने बहुत ही स्पेशल इंसान को ली शूट किया है, क्योंकि ये कभी वीडियो में नहीं आते, ये मेरे मामा है, जितू मामा। तो अभी हम लोग खेलने जा रहे हैं हाउजी। सोनू प्लीज रूल्स बता। और हाउजी में है जल्दी फाइव, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और फुल हाउस। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। आई गेस ये बहुत टाइम बाद है जब मैं बैठ के ऐसे पूरी फैमिली के साथ कोई गेम हम खेल रहे हाउजी जैसा, बिकॉज जब मैं छोटी थी स्कूल टाइम में तो तब की यादें हैं। बाद में मैं बहरीन चली गई थी तो मॉम और मैं सारे फेस्टिवल्स मिस किए अब तक के, और हम सबको बहुत मिस करते थे। और आज जब मैं सबके साथ हूँ तो आई गेस मैं मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। मैं बार बार इस वीडियो में यही बोल रही हूँ, बिकॉज जेन्युइनली मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। और सबके साथ ऐसा हंसी मजाक करके खेलते हुए, ये मेरा बेस्ट ओनम था अब तक का, मेरा बेस्ट, एकदम एकदम बेस्ट। 7878 जल्दी फाइव श्रेयश को जा चुका है। जल्दी फाइव हो गया ना, टिकट तो वही रहेगा। जल्दी फाइव खत्म हो गया। नंबर 66 अच्छा मेरा ऐसे नहीं छूट रहा। नंबर 59 लास्ट हो गया मेरा बॉटम। एंड फाइनली मैं जीत गई, बॉटम लाइन फुल हाउजी नहीं। और मैं बता दूं कि मैंने दो पेपर लिया था हाउजी का, एक मेरे नाम से, एक मेरी मम्मी के नाम से। तो जो मुझे बॉटम लाइन लगा है वो मेरी मॉम के नाम से है, सो शी इज वेरी लकी फॉर मी। तो यहाँ पर अब हाउजी गेम खत्म हो चुका है, फुल हाउजी प्रियेश जीत चुका है। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की, रिएची और मैंने पूरा कोशिश किया आई गेस, क्योंकि हम बाजू बाजू में बैठे थे तो मुझे पता था उनको भी दो नंबर चाहिए था और मेरे को भी। तो फाइनली ये गेम हो चुका है तो हम यहाँ पे ये गेम स्टॉप करते, लेकिन हमने और भी कुछ दूसरा गेम खेला है तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी। तो अभी हम लोग खेल रहे हैं दम सराज। तो दो टीम है, एक टीम है ये जिसमें हूँ मैं, रिएची, सोनू और विशाल अंकल, और एक टीम है ये जिसमें है रीता आंटी, राखी आंटी और प्रियेश, जो कि हारने वाले हैं। आप मुझे बता दो कौन बता रहा है। हिंदी पुराना पिक्चर है, पानी नदी बारिश, बारिश, तूफान, तूफानी कुछ है, पुराना पिक्चर, तोहफा, तूफान, तूफानी लाया, आधा आधा कुछ वर्ड बोलना, हाँ हीरो कौन है, भूत का है, मेरे को अंजू को भी नहीं मालूम लगता है। Two thousand years later.
बॉडी जॉन सीना का बॉडी कपड़ा दे दे सॉरी 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 डू यू वांट क्विट नो नया द यस अक्षय कुमार कितने फाइनली द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ ओनम इज हैविंग फूड. तो हम खाना खाने बैठ चुके हैं. ये एक्चुअली बनाना लीफ है जिसमें हम रख के खाना खाते हैं, मतलब जो भी बनाया हुआ है खाना वो रख के खाते हैं. उसको मलयालम में एला बोलते हैं. और आई एम सो सॉरी कि मैं प्रॉपर एक वीडियो बना नहीं पाई क्योंकि कोई ऐसा बनाने के लिए था नहीं और मैं खुद खाने में इतनी डूबी हुई थी कि मैं आधा टाइम तो मैं भूल ही गई कि हाँ वीडियो भी बनाना है. पर मुझसे जितना हुआ जो हुआ मैंने बनाया है. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा. तो हम सब ने खाना खा लिया है. वो खाना खाने का पूरा वीडियो तो मैं निकाल नहीं पाई क्योंकि मैं खुद खाने में बिजी थी और मुझे कुछ उतना समझ नहीं आ रहा था कि मैं सब कैसे निकालूं. जितना हो सका मुझसे मैंने निकालने की कोशिश की है. तो अगर मम्मी होती तो मतलब पूरा फैमिली था तो सिर्फ मम्मी थी मिसिंग. अगर वो होती तो मुझे और अच्छा लगता. आई रियली होप कि नेक्स्ट ओनम में मम्मी यहाँ पे हो और इससे भी अच्छे से हमारा पूरा फैमिली का सेलिब्रेशन हो. एंड फॉर ऑल द केरला पीपल आउट देयर ओनम हृदय नर्ज और आशम सगल. तो ये था हमारा ओनम सेलिब्रेशन. तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब.